दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूं कि ऐसी तीन प्रकार की चीजें जो तीन प्रकार की चीजें देखकर कोई भी औरत या, या फिर कोई भी लड़की किसी भी पुरुष के पीछे 101 टक्का पड़ती है जी हाँ दोस्तों क्या बोला मैंने ये तीन चीजें देखकर कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की किसी भी पुरुष के पीछे हाथ धोकर एकदम दोस्तों जोर से पड़ती है दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो मैं तीन चीजें बताने वाला हूँ तीनों भी दोस्तों चीजें होगी ना तो मैं आपको कसम दोस्तों बोल सकता भाई आपको बता रहा है कि अगर ये तीन चीजें आपके पास होगी ना तो दुनिया की कितनी भी सुंदर औरत हो दुनिया की कितनी भी सुंदर लड़की हो वो आपके पीछे पड़ेगी ही पड़ेगी वादा है दोस्तों अगर आपको जानना है ना कि कौन सी है वो तीन प्रकार की चीजें तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो दोस्तों देखोगे ना तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला तो इसलिए तो इस सबसे पहले प्रकार की जो है जो देखकर कोई भी औरत कोई भी लड़की पुरुष के पीछे पड़ती है और बोला मैंने ब्राइट फ्यूचर दोस्तों मतलब के है कि हर औरत या फिर हर लड़की किसी भी पुरुष से पटने से पहले अपने दिमाग में ये सोचती है कि अगर मैं इसके जिंदगी में जाऊंगी ना तो ये बंदा दो तीन साल में मतलब अगले पांच साल में अगले तीन साल में अगले दस साल में ये बंदा किस पोजिशन के ऊपर जाने वाला है मतलब इसका फ्यूचर क्या है ये आगे चलकर क्या करने वाला है मतलब ये अभी रिसेंटली क्या कर रहा है और आने वाले पांच साल में ये बंदा किस पोजिशन पर होगा और अगर उसको ऐसा लगता है ना कि आने वाले पाँच साल में ये बंदा एक टॉप पोजिशन पर होगा तो उसके पीछे वो दोस्तों आज से ही दोस्तों पड़ जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आने वाले पांच साल में ये बंदा एक टॉप पोजीशन पर होगा और अगर मैं इसके ज़िंदगी में रहूंगी ना तो ये बंदा मेरी सभी इच्छाएं सभी अपेक्षाएं पूरी कर सकता है और मुझे ज़िंदगी भर खुश रख सकता है तो इसलिए दोस्तों अपना जो फ्यूचर है ना वो हमेशा ब्राइट रखो किसी भी औरत को ऐसा लगना चाहिए कि ये बंदा आने वाले तीन साल में या, या फिर आने वाले पाँच साल में एक टॉप पोजिशन के ऊपर जाने वाला है तो अगर आपका फ्यूचर ऐसा दोस्तों होगा ना तो कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की आपसे नहीं पट सकती ऐसा हो ही नहीं सकता और उसके बाद दोस्तों जो दूसरे प्रकार की चीज़ है और कौन सी है कि हैंडसम लुक जी हाँ दोस्तों क्या बोला मैंने हैंडसम लुक दोस्तों अगर आपका जो लुक है ना वो एकदम हैंडसम है मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका कलर मैटर नहीं करता कि आपका कलर काला है आप दिखने में दुबले पतले हो तो दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे रखते हो मतलब आप के कपड़े पहनने का स्टाइल कैसा है आपके बोलने का स्टाइल कैसा है आप अपने अंगों के ऊपर कैसे कपड़े पहनते हो आप अपने बालों का स्टाइल कैसे रखते हो मतलब ये पूरा का पूरा ओवरऑल दोस्तों मैटर करता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनलिटी कैसी है मतलब आपकी अगर पर्सनलिटी एकदम हैंडसम होगी तो कोई भी औरत आपके पीछे दोस्तों नहीं पड़ सकती ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों ये दूसरे प्रकार की चीज़ है उसके बाद दोस्तों जो तीसरे प्रकार की चीज़ है और कौन सी है कि डेरिंग जी हाँ दोस्तों क्या बोला मैंने डेरिंग दोस्तों अगर किसी भी पुरुष के अंदर अगर किसी भी औरत को डेरिंग दिखाई देती है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पुरुष और अगर कोई भी औरत एक रास्ते पर दोनों अकेले जा रहे हैं और चार पांच गुंडों ने उस औरत को छेड़ा तो उस समय वो पुरुष उस गुंडों से मतलब झगड़ा करता है उनसे बेधड़क जाकर उन उनको बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा तो औरत को ऐसा लगता है कि उसके अंदर डेरिंग ट कूट कर भरी है और औरत को ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे हमेशा सुरक्षित रख सकता है और दोस्तों औरत मतलब ऐसे ही पुरुषों से पट्टी है जो पुरुष उनको सुरक्षित रख सकता है मतलब ऐसा नहीं मतलब आप दोनों कहीं रास्ते पर जा रहे हो और चार पांच गुंडों ने उसको छेड़ लिया तो आप वहां से रपू चक्कर होकर भाग रहे हो तो ऐसे पुरुषों को कोई भी औरत कोई भी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि हर औरत को ऐसा लगता है कि मैं जिस भी पुरुष के साथ रहूँ ना वो पुरुष मुझे हमेशा सुरक्षित रख सके तो इसलिए अगर किसी भी भरी होगी ना तो औरत उसके पीछे पड़ती ही पड़ती है दोस्तों तो दोस्तों जो जो मैंने आपको बताया वो अगर आपके अंदर दोस्तों होगा ना तो आज से ही कोई भी औरत कोई भी लड़की आपके पीछे दोस्तों पड़ जाएगी और अगर आपके अंदर चीज़ें नहीं होगी तो ये चीज़ें अपने अंदर लाने की कोशिश करो ताकि कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की आपके पीछे पढ़ सके तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको सब कुछ समझ आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद